नई दिल्ली। आपने अक्सर शोरूम के ट्रायल रूम में कैमरा लगे होने की खबर सुनी होगी, लेकिन ट्रेन के टॉयलेट में कैमरा लगे होने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह घटना शनिवार को गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस की है। जानकारी मुताबिक ठाणे की मानपाड़ा की रहने वाली एक 50 साल की महिला एक कोच की टॉयलेट में गई। वहां उनकी नजर छिपाकर रखे गए मोबाइल फोन पर पड़ी। हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने वाला शख्स कोई बाहरी नहीं बल्कि रेलवे का ही कर्मचारी निकला। आरोपी सलीम शेख 31 रेलवे में सी मैकेनिक के तौर पर कार्यरत है। घटना का खुलासा होने के बाद महिला ने शोर मचाया और सहयात्रियों को मदद के लिए बुलाया। उस वक्त आरोपी टॉयलेट के बाहर ही खड़ा था, जिसके बाद सभी ने मिलकर उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शुरुआत में उसने यह नहीं माना कि फोन उसका था। मोबाइल फोन की जांच में झांसी जीआरपी को ट्रेन के टॉयलेट में फिल्म आई गए महिलाओं के कई और वीडियो भी मिले। पुलिस अब सलीम से जांच करने में जुटी हुई है। अगर वह दोषी पाया गया तो उसे नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। आपका हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।